वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी और दरबार मूवी के बारे में। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पोस्टर पे लिखा है कि इन दोनों मूवी को देखना जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपको दी और इस मूवी को बहुत सारे लोग देखने भी जा रहे हैं। और दरबार मूवी के बारे में आखिर ऐसा क्या है जो इस मूवी को हम देखें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था और बहुत सारी वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि दरबार मूवी के बारे में मैं जरूर बताऊँगा। और दरबार मूवी एक ऐसी मूवी है, शायद इस मूवी को बॉलीवुड के हर फैंस को ज़रूर देखनी चाहिए। क्यों? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जहाँ दरबार मूवी में सबसे पहले बात होती है डायरेक्टर की। डायरेक्टर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो इस मूवी को बना रहे हैं और लिख भी रहे हैं। डायरेक्टर मुर्गा दास, ये एक ऐसा नाम जो शायद मुझे लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ डायरेक्टर का ऐसा ही नाम है। और इस डायरेक्टर ने बहुत सारी मूवीज बॉलीवुड में भी की हैं। अगर हम बात करें इस डायरेक्टर की मूवीज की, तो गजनी शायद आप लोगों ने देखी होगी और आपको याद भी होगी। और साउथ की स्पाइडर मूवी आप लोगों ने देखी होगी और आपको याद भी होगी। ये दोनों ही मूवी एक टाइम की बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है। लेकिन ये डायरेक्टर यही नहीं रुका था और इस मूवी इस डायरेक्टर ने काठी, सरकार, अकीरा, गजनी, रमाना जैसी बड़ी बड़ी मूवीज दी हैं और इस डायरेक्टर ने बहुत ही बड़ा नाम किया है। अगर हम बात करें इस डायरेक्टर के अवार्ड्स की, इस डायरेक्टर ने वाकई में कमाल करके दिखाया है अपनी लाइफ में। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टर के अवार्ड की। फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर काठी, काठी मूवी शायद आप लोगों ने देखी हो तो आप लोगों को याद होगी। और इसके साथ ही इन्हें एक फेवरेट डायरेक्टर का, दो मूवी जो काठी और थपकी मूवी है, इन्हें फेवरेट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिल चुका है जो ये मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं दरबार। तो आप देख लीजिए कितने बड़े डायरेक्टर हैं। बेस्ट डायरेक्टर का गिल्ड अवार्ड गजनी के लिए मिला था और स्टार अवार्ड हॉटेस्ट न्यू फिल्म फेयर अवार्ड गजनी के लिए मिला था। तो आपको क्या लगता है, हॉलीडे मूवी आप लोगों ने देखी जरूर होगी। हॉलीडे मूवी को भी बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म का अवार्ड मिला था, एक्शन फिल्म। अगर हम बात करें स्पाइडर जैसी बड़ी मूवीज जब इन्होंने कर ही ली थी, गजनी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दे दी है, तो अब जब ये मूवी लेकर आ रहे हैं दरबार, तो वाकई में कैसी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती, ये तो आप ही हमें कॉमेंट में बताइएगा प्लीज़। जैसे कि मैं बात करूँ दरबार मूवी के बारे में, तो इस मूवी की हम अब स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दरबार मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो बेजोड़ इसमें स्टार कास्ट उतारी जा रही है। जहाँ इतने बेजोड़ डायरेक्टर हैं, तो इसकी स्टार कास्ट में रजनीकांत, सुनील शेट्टी और दिलीप ताहिल बॉलीवुड के एक्टर्स हैं। वहीं निवेदिता थॉमस और प्रतीक बब्बर जो कि बहुत ही बढ़िया एक्टर्स हैं। अगर हम बात करें इस मूवी के लिए, रजनीकांत को शायद आप कैसे भूल सकते हैं। बताया जाता है कि 1950 के टाइम लगभग ये पैदा हुए थे और आज की डेट में उनकी एज हो चुकी है 68 से 70 साल लगभग उनकी एज हो चुकी है। और वो आज भी अगर एक मूवी लेकर उतर रहे हैं, तो हम उस मूवी को क्यों ना देखें। भले ही आपके पास थिएटर तक जाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन इस मूवी को आप टीवी पर भी देख सकते हैं जब मूवी रिलीज होगी। अगर हम बात करें इस मूवी की, तो ये मूवी बहुत ही शानदार एक्शन फिल्म है। तो आपको क्या लगता है कि दरबार मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी के बारे में मैं और भी अपडेट आपके लिए करता रहूंगा और दरबार मूवी जो कि आने वाली है, इससे जुड़ी हुई भी बहुत सारी डिटेल्स आपके लिए लाता रहूंगा। आपको सिर्फ करना ये होगा कि हमसे जुड़े रहने के लिए बॉलीवुड चलोगे में सब्सक्राइब का बटन दबाना और घंटा दबाना है। और दोस्तों, हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय। कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ एक बार कॉमेंट